हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा सीपीसी का टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज का हमारा स्पेशल सूट्स का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सूट्स बाय एलियंस एंड बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एम्बेसडर्स एंड एनवॉयस 83 से लेकर 87A प्लस 87B जो फॉर्मर इंडियन स्टेट्स के रूलर्स के अगेंस्ट जो सूट होता है वो। ईजी टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट फटाफट कवर हो जाएगा। सारे पॉसिबल मेंस क्वेश्चंस इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया कि बताओ भैया एलियन कब सू कर सकते हैं और कब सू नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एलियन होते क्या हैं। देखो एलियंस दो तरीके के होंगे, या तो होंगे वो एनिमी या तो वो होंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में जादू टाइप है ना। ओके, अब एनिमी में दो तरीके के लोग होंगे, जो रिजाइड कर रहे होंगे इंडिया के अंदर और जो रिजाइड नहीं कर रहे होंगे, सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री वो होगी जिसके साथ हम वी आर एट वॉर, ठीक है, तो ये वो होंगे। ओके, अब रिजाइड इन इंडिया में भी दो तरीके के होते हैं, एक जो विद परमिशन रह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक विदाउट रह रहे हैं, जो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। अब एक इसके अंदर ना फॉरेन कंट्री के अंदर भी दो लोग आते हैं, एक जो इंडियन सिटीजन है जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ फॉरेन कंट्री के साथ, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं विदाउट टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये लोग तो फिर हैं ही जो वहाँ के देर नेटिव सिटीजन्स जो हैं वहाँ के, तो ये लोग तो हमारे हैं एलियंस एनिमीज, ठीक है, और ये हैं हमारे फ्रेंड्स। अब आता है कौन सू कर सकता है कौन सू नहीं कर सकता। भैया ये सू कर सकते हैं, ये सू नहीं कर सकते कोई भी, ये सू नहीं कर सकते और ये सू कर सकते हैं, ये सू कर सकते हैं, ये सू कर सकते हैं, बीच के दो नहीं कर सकते। देख लो, एज पर सेक्शन 83 एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये लोग और एलियन फ्रेंड्स, ये लोग, ये दोनों सू कर सकते हैं और बीच के दो नहीं कर सकते, ठीक है। विच इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सूट एज इफ देवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलियन फ्रेंड्स मे सू इन एनी कोर्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सूट, दे कैन फाइल द सूट लाइक दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिंपल। अब हु मे नॉट सू, ये दोनों नहीं कर सकते बस। अगर आपको कोई पूछे कि कौन सू नहीं कर सकता तो ये बता देना, कौन कर सकता है तो ये बता देना, आपको डायग्राम बनाना सिखाई दिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आया, व्हेन कैन एन इंडियन सिटीजन बी कंसीडर्ड एज एन एलियन एनिमी। एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 83 ऑफ द कोड, एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ विच इज एट वॉर विद इंडिया and is carrying the business in that country without a license that is being granted by the central government shall for the purpose of this section be deemed to be an alien enemy that residing in a foreign country. अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो बिजनेस कर रहा है उस फॉरन कंट्री के साथ जिसके साथ हम वॉर पे हैं, तो अगर उस बंदे ने लाइसेंस नहीं लिया बिजनेस करी करने का तो वो हमारे लिए एलियन एनिमी माना जाएगा। ओके अच्छा क्वेश्चन आया अगला, तो एलियन एनिमी का टॉपिक खत्म होता हमारा। अब आता है फॉरेन स्टेट कब सू कर सकती है। देखो फॉरेन स्टेट मतलब कोई बेसिकली बाहर की कंट्री है, वो उनका कोई रूलर है वहाँ का राजा है या वहाँ का कोई ऑफिसर है, वो सू करना चाहता है हमारे यहाँ पर आकर हमारे लोगों पे, ठीक है, तो कब सू करेगा, बेसिकली सिविल केस में सू करेगा और सिविल केस प्राइवेट राइट से डील करता है ना, तो प्राइवेट राइट्स का अगर मामला होगा तो वो सू कर सकता है। देखो सर, एज पर सेक्शन 84 ऑफ द कोड, a foreign state may sue if the object of that suit is to enforce a private right that is vested in the ruler of such state or any officer of such state which is acting in his public capacity.
या तो कोई रूलर होगा या तो कोई ऑफिसर होगा। अगर उसको हमारे यहाँ पर आके सूट फाइल करना है तो भैया कोई प्राइवेट राइट होगी, उसको इन्फोर्स करवानी है, जब ही वो सूट फाइल कर सकता है। बस सिंपल है। अगला क्वेश्चन, स्टेट वेदर है रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट आस्क फॉर अ प्लीडर टू डिफेंड और प्लीड फॉर हिम। भैया वो आया है इंडिया में आया है, अब अपना वकील थोड़ी लेकर आएगा फॉरेन से, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, क्या उसको प्लीडर जो है डिफेंड करने के लिए या प्लीड करने के लिए दे सकती है? हाँ दे सकती है सर। सर यस, एज पर सेक्शन 85 ऑफ द कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रूलर ऑफ द फॉरेन स्टेट और ऑफ एनी पर्सन हु इज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ। या तो फॉरेन स्टेट का रूलर खुद रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई और पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये तो कॉम्पिटेंट है उस रूलर के बिहाफ पर रिक्वेस्ट करने के लिए, उसको उसको हम वकील दे रहे हैं, प्लीडर दे रहे हैं, ताकि वो प्रोसिक्यूट कर सके और डिफेंड कर सके अपना सूट। ठीक है, नाउ दीज पर्सन जो 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 ये पर्सन जो हमने अपॉइंट करवाया है उनके लिए, ताकि जो वो रूलर के बिहाफ पे या वो पर्सन के बिहाफ पे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंट माना था उनके बिहाफ पे प्रोसिक्यूट करेगा या फिर डिफेंड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? रिकग्नाइज एजेंट्स। ठीक है, तो रिकग्नाइज एजेंट्स फिर फॉरेन स्टेट के जो रूलर थे उनके बिहाफ पर अपीयर होंगे, एक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। बस इसको डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। ये एक रूलर है और ये एक वो बंदा है और पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रूलर। ठीक है, ये दो लोग, इनमें से या तो ये या तो ये। अब ये इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि ग्रांट अस अ प्लीडर, ग्रांट अस अ प्लीडर। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कर देती है, तो ये प्लीडर कौन होता है? अब इसे कहते हैं हम रिकग्नाइज एजेंट। रिकग्नाइज एजेंट हो गया। अब रिकग्नाइज एजेंट क्या करेगा? इनके बिहाफ पे अपीयर करेगा, एक्ट करेगा, प्लीड करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके, अपीयर, एक्ट, एप्लीकेशन फाइल करेगा, सब चीज़ करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो डायग्राम समझ आ गया। चलिए शुरू करते हैं आगे का अगला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट एम्बेसडर्स और इनवॉइस। अब हमें इनके खिलाफ सूट फाइल करना है, फॉरेन स्टेट के रूलर्स के खिलाफ, एम्बेसडर्स के खिलाफ, इनवॉइस के खिलाफ, तो कैसे कर सकते हो आप? ओके, एज पर सेक्शन 86 कंसेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू इंस्टीट्यूट एनी केस अगेंस्ट द रूलर्स एम्बेसडर्स और इनवॉइस। और वो कंसेंट मे बी गिवन फॉर एनी स्पेसिफाइड सूट, क्लास ऑफ सूट, सर्टन क्लास ऑफ सूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो सूट फाइल करना चाहता है फॉरेन स्टेट के रूलर्स के खिलाफ, एम्बेसडर्स के खिलाफ, इनवॉइस के खिलाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ही नीड्स परमिशन, ही नीड्स परमिशन, परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कौन देता है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी परमिशन देगा। परमिशन कैसे ऑब्टेन होनी चाहिए? इन राइटिंग। बस अब परमिशन जो है वो एक सूट के लिए हो, क्लास ऑफ सूट्स के लिए हो, सर्टेन क्लास ऑफ स्पेसिफाइड सूट्स के लिए हो, किसी भी कैसे भी चीज के बता सकते हैं, सर्टेन क्लास ऑफ स्पेसिफाइड सूट्स। ठीक है, क्लियर होगा। बस चलो आगे देखते हैं। क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहां पर ये इंडिविजुअल को कंसेंट लेने की जरूरत ना पड़े? नो कंसेंट रिक्वायर्ड? हाँ सर, हो सकता है। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर ये बंदा टीनेंट है, अगर ये बंदा टीनेंट है इस फॉरेन स्टेट के रूलर का, एम्बेसडर का, एनवॉय का, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही मामला था, उसने टीनेंसी के अंदर ही अपना सूट फाइल करना था, तो टीनेंसी एक एक्सेप्शन मिल जाती है। देखो सुनना, इन केस अ पर्सन इज अ टीनेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ही होल्ड्स अ सर्टेन क्लेम विद रिस्पेक्ट टू सच प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर उसको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। पाँच कंसेंट,
पांच जगह हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच एरियाज हैं जहाँ पे कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कंसेंट मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बंदा हमारा टीनेंट है, इसको एक क्लेम आया है इसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उस क्लेम पे इसने सूट फाइल करना है, तो फिर इसको कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला पॉइंट, द रूलर हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली वेव ऑफ हिज प्रिविलेज। अब क्या होगा कि ये जो फॉरेन स्टेट का रूलर था, इसने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप कंसेंट वनसेंट ना लो, ऐसी तैसी कराए कंसेंट, आओ इसको बोलो केस लड़े। तो इसने खुद ही वेव ऑफ करवा दिया। इसका कंडक्ट ऐसा था कि इसने जो उसको हमने प्रिविलेज दे रहा था ना कि सर आपसे अगर आपके खिलाफ कोई केस करेगा, पहले हमसे पूछेगा सर आपके खिलाफ कैसे कर सकता कोई केस, इसने कहा कोई नहीं करने दो देखा जाएगा, तो करने दो फिर करने दो हमें क्या। तो इनको अगर इन्होंने खुद ही अपना वेव ऑफ कर दिया है प्रिविलेज, तो फिर ये कर सकता है, ठीक है, इन्होंने एंट्री दे दी ना। आगे बात करते हैं कि जो फॉरेन स्टेट का रूलर है उसने खुद ने ही पहले सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, अब तो ये डिफेंडेंट बन रहा है बस। तो जब इन्होंने ही सूट जो है इंस्टीट्यूट कर दिया है और ये एज ए डिफेंडेंट आ रहा है, एज ए डिफेंडेंट आ रहा है, तो फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चौथा पॉइंट, वेयर द फॉरेन स्टेट रूलर हैज़ बीन ट्रेडिंग विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिशन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो कमर्शियल ट्रांजेक्शन का कोई कोर्ट में आपने फाइल करना है केस, ठीक है, तो ये जो बंदा था ये उस कोर्ट के विसिनिटी में, कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर जो है ट्रेड कर रहा था। जब इसने कोई ट्रेड करा और ये जो हमारा इंडिविजुअल है इसी ट्रेड के रिगार्डिंग इसने कोई सूट फाइल करना था, तो ऐसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ एक बार, ये कोर्ट है, कोर्ट की जुडिक्शन है, ठीक है। अब जो हमारा फॉरेन स्टेट का रूलर है, ये यहाँ मान लो इसने अपना बिजनेस खोला कर रखा है, यहाँ वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, फैक्ट्री खोल रखी है इसने यहाँ पे। अब ये इंडिविजुअल जो है विद रिस्पेक्ट टू सच ट्रेड ये सूट फाइल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हो विदाउट टेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। ओके, आगे आता है, वेयर सच फॉरेन स्टेट रूलर इज इन द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑन विच द प्लेंटिव वांट्स टू फाइल अ सूट। अब वही टीनेंसी से जुड़ा ही हुआ ये वाला पॉइंट भी, जो फॉरेन स्टेट रूलर है उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग इंडिविजुअल जो है वो केस फाइल करना चाहता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि भैया कौन कौन से पर्सन जो हैं ये फॉरेन स्टेट रूलर्स में, एम्बेसडर्स में, इनवॉइस में अरेस्ट करने से एग्जम्प्ट करे गए। सर फॉरेन स्टेट का रूलर हो गया, एम्बेसडर हो गया, एनवॉय हो गया, हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको हाई कमिश्नर्स कहते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी होती हैं, जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने जिन्होंने जिस पे राज करा था ना, वो सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं। ओके, या उनके स्टाफ के मेंबर्स, तो फॉरेन स्टेट के रूलर्स, फॉरेन स्टेट के एनवॉय या एम्बेसडर्स, कॉमनवेल्थ कंट्री के हाई कमिश्नर्स या इनके स्टाफ के मेंबर्स वगैरह, इन लोगों को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, सेक्शन 86 ये कहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना कवर हो गया हमारा सारा चीज़ें, हमारा 84-83 में आए थे हम, 83 में ये एलियन रिजाइडिंग इन इंडिया विद परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वाला टॉपिक हो गया, 84 में हमने देख लिया फॉरेन स्टेट में सू टू इन्फोर्स अ प्राइवेट राइट, ये भी देख लिया हमने, 85 में हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर एट रिक्वेस्ट ऑफ रूलर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ रूलर ग्रांट हिम दी पर्सन, और उसको हम क्या कहेंगे रिकग्नाइज एजेंट, वो उसको प्रोसिक्यूट करेगा, डिफेंड करेगा, ये भी देख लिया हमने। ओके, पर्सन जो अपॉइंट हो गया वो ऑथर, अच्छा ये बात भी आके देखो, जो पर्सन अपॉइंट करा है वो आगे जाकर भी अपना एक आगे अपॉइंट कर सकता है पर्सन को, ये जो रिकग्नाइज एजेंट है वो खुद से भी एक चाहे तो कर सकता है, कोई आगे पॉइंट नहीं है, मे ऑथराइज और अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू मेक अपीयरेंस एन एप्लीकेशन, ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, 86 में देखा कि एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग बाय सेक्रेटरी, मतलब आपको भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, सेक्रेटरी से परमिशन लेनी है। फिर टीनेंट वाला एग्जांपल देखा हमने कि यहाँ पर आपको कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है
फिर अगर फॉरेन स्टेट के रूलर ने खुद ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तो फिर आपको कंसर्न देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ट्रेड कर रहा है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, वो भी उसमें देख लिया हमने। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पोजेशन में उसके पास, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट उसने वेव ऑफ कर दिया खुद से ही। पाँचवा पॉइंट क्या था हमारा, चार पॉइंट्स तो ये हैं और पाँचवा ये वाला, ये टीनेंट वाला, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं कि कौन कौन से बंदे जो हैं वो अरेस्ट नहीं करे जाएंगे, रूलर, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, इनके स्टाफ्स वगैरह, और ये प्रोविजन किन पे अप्लाई होती है, ये रूलर, एम्बेसडर, यही सेम बात है, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब आता है 87। 87 में क्या है कि हमारा जो फॉरेन रूलर्स है ना, देखो द रूलर ऑफ अ फॉरेन स्टेट, वो सू कर सकते हैं या सू हो सकते हैं, अपने नाम पर भी हो सकते हैं और स्टेट के नाम पर हो सकते हैं जहाँ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इन गिविंग द कंसेंट रेफर्ड इन सेक्शन 86, सेक्शन 86 में जो कंसेंट मिलता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस केस के अंदर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि रूलर को ना उसके नाम पर ही सू करो, आप स्टेट वेट के नाम पर सू ना करो, उनके नाम पर सू करो, ठीक है। अच्छा अब फॉरेन स्टेट क्या होती है, कोई भी स्टेट इंडिया के आउटसाइड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रखी है। रूलर क्या है, रूलर मतलब हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रखा है। अच्छा वो स्टेट रिकग्नाइज है या नहीं है आप बोल दो, बस सिर्फ बोल दो, और कोर्ट उस बात का जुडिशियल नोटिस ले लेगा। अगर आप कह रहे हो रिकग्नाइज है तो कोर्ट मान लेगा है, अगर आप कह रहे हो नहीं है तो नहीं है, जुडिशियल नोटिस ले लेगा। आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने वाली पार्टी, बगल वाली जो अपोजिट पार्टी है वो उसको डिसप्रूव करेगी, ओके। और यही सारी बातें जो है 85 और 86 वाली हमारी कहाँ अप्लाई होती है, फॉर्मर इंडियन स्टेट्स पर अप्लाई होती है। लेकिन एक बात याद है, याद रखना कि सेक्शन 85 तो पूरा अप्लाई होता है, सेक्शन 85 तो पूरा ही अप्लाई होता है, लेकिन 86 के अंदर सिर्फ 1 और 3 अप्लाई होता है, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3। तो सब सेक्शन 1 जो पूरा का पूरा हमने पढ़ा ये वाला, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 हमारा आ गया ये, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नो डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ये वाली बात कि अगर एग्जीक्यूशन करवाना है ना, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी है आपको, अगर उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनका एग्जीक्यूशन करवाना है आपने, तो सूट फाइल करने के लिए भी आपको कंसेंट चाहिए था और एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको कंसेंट चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रख लेना, ये इंडियन फॉर्मर स्टेट्स पे भी अप्लाई होते हैं, और सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि अगर इंडियन फॉर्मर स्टेट का कोई रूलर है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मर इंडियन स्टेट मतलब क्या होती है, जो इंडियन स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाल के ऑफिशियल गैजेट के अंदर स्पेसिफाई करी थी, ठीक है, कब करी थी, इंडियन फॉर्मर स्टेट जो है ना वो संविधान बनने से पहले की होगी और वो रिकग्नाइज कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रूलर मतलब वो जो कि आर्टिकल नंबर 363 में बता रखा है, सर्टेन रूलर्स ही हैं, ठीक है। द रूलर इन रिलेशन टू फॉर्मर इंडियन स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन आर्टिकल 363 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया, दोबारा बता दूँ, देखो 87B कहता है कि 85, 86 अप्लाई होगा। 86 में क्या होगा, 1 और 3, 1 और 3 क्या कहते थे कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सूट फाइल करने के लिए, 3 क्या कहता है कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा अब आगे बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला, फॉर्मर इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर रखी है, यही लिस्टेड फॉर्मर इंडियन स्टेट्स होंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले एग्जिस्ट करती थी। रूलर मतलब जो कि आर्टिकल 363 में बताया गया है। कवर कंसेप्ट ख़त्म। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा फॉर्मर स्टेट्स का, फॉर्मर रूलर्स का ऑर्डर नंबर। अब आगे हम आगे का जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे।